हेलो दोस्तों वेलकम बैक माई यूट्यूब दोस्तों आपको आपका हमारे चैनल में स्वागत है और दोस्तों आज हम है ना आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए स्पोर्ट्स शूज की दोस्तों वो हमारे पास बनता नहीं है लेकिन काफी अच्छी क्वालिटी और काफी अच्छा डिजाइन है आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा दोस्तों क्योंकि मैंने भी है ना ये मंगवाए हैं और मुझे काफी अच्छे लगे थे और मुझे लगा कि इसकी भी वीडियो बनानी चाहिए इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों तो चलिए इसके साथ करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट दोस्तों क्योंकि क्या है कि देखिए ये है रैपिड बॉक्स मतलब ये एक ब्रांड है जो है ना इस प्रोडक्ट को बनाता है और इसमें ना ये क्या है कि एटम के नाम से इसको लॉन्च किया हुआ है मैं दिखाता हूं आपको इसको है ना बॉक्स को है ना जैसे ही ओपन करते हैं इसमें क्या है रैपर है और ये आ गया दोस्तों हमारा शूज इसमें टैग लगे हुए हैं जो कि आइटम के आप देख ही रहे हैं यहाँ पे और काफी अच्छे मतलब टैग है इसमें और शूज देखिए दोस्तों मैं शूज के बारे में बताता हूँ आपको इसमें ये टैग भी लगा हुआ है मेरे ख्याल से इसमें लिखा हुआ है नो रिटर्न इफ सील इज ब्रोकन मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसको है ना आप है ना तोड़ दोगे या काट दोगे तो ये है ना रिटर्न नहीं किया जाएगा और जैसे ना आप देख ही रहे होंगे इस शूज की जो बनावट है और इसका सोल सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट जो है दोस्तों इसका सोल है देखिए आपको लग रहा होगा जैसे ना ये है ना स्प्रिंग टाइप की लगे हुए नीचे लेकिन मैं बता दूं आपको ये स्प्रिंग नहीं है दोस्तों ये क्या है टीपीयू होता है ना जो मेटेरियल होता है जैसे ना एक मेटेरियल हमने बताया था आपको पीवीसी एक मेटेरियल बताया हमने आपको टीपीआर और एक मेटेरियल बताया था हमने पीयू तो जैसे प्यू होता है ना ये होता है टीपीयू जो थोड़ा है ना शाइनिंग वाला मेटेल होता है थोड़ा हार्ड होता है मतलब फ्लैक्सीबल होता है लेकिन थोड़ा हार्ड होता है और शाइनिंग ज्यादा होती है इसके अंदर तो वैसे है ना सोल तो है ना इसका जानदार लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है आप देखेंगे तो देखिए जैसे मेरे हाथ में है, लेकिन क्या होता है थोड़ा हैवी हो जाता है लेकिन जो क्वालिटी होती है एकदम शानदार होती है और इसमें ना सोल के बारे में हमने बता दिया दोस्तों सोल भी काफी महंगा सोल लग रहा है और यहाँ के नीचे देखेंगे आप तो ये ग्रिप पकड़ने के लिए है ना इसमें ये टीपीआर लगा हुआ है जो रबड़ कह सकते हैं आप एक तरह से जैसे ये है टीपीयू लगभग आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक टीपीयू और यहाँ पर ना ग्रिप पकड़ने के लिए ये रबड़ है दोस्तों ये रबड़ लगी हुई है और इसमें न जैसे न, आप मैं बताता हूँ आपको ये कॉटन जैसे ना आपने देखा होगा कि जो जैसे जो मौजे टाइप के है ना शूज आ रहे हैं आजकल उसी टाइप का ये कपड़ा है और ये कपड़े पे है ना इस डिजाइन बनाया हुआ है ना फॉर्म लगा दिए और यहाँ पर ये लोगो टाइप का है दोस्तों जैसे आइटम का लोगो है ना जैसे मैं दिखाता हूँ आपको जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है और ये आगे थोड़ा लोगो लगा हुआ है उसी टाइप का ये यहाँ पर लोगो बनाया हुआ है तो काफी अच्छा मतलब लग रहा है ये अट्रैक्टिव लग रहा है काफी अच्छा लग रहा है ना ऑनलाइन देखा था। इसमें सबसे अच्छी तो तो परफेक्ट आएगा बिल्कुल और आठ नंबर आता तो आठ नंबर भी परफेक्ट आएगा और जो इसकी है ना फिटिंग है उसी की बात कर रहा हूं मैं आपको आप पहनने के बाद है ना काफी अच्छा फील होगा इसमें जैसे तो कुछ ज्यादा बताने के लिए खास है नहीं दोस्तों इसकी जो मतलब प्राइस है वो लगभग लगभग 1600 से लेकर 1800 के बीच में अप डाउन होती रहती है जैसे मैंने जब जब परचेज किया था उस समय इसकी जो प्राइस थी वो सोलह सौ थी लेकिन कुछ डिस्काउंट यहाँ जैसे ना फर्स्ट परचेजिंग होती है उस साइड से तो कुछ है ना डिस्काउंट था डेढ़ सो दो तो सौ रुपए का उसको करने के बाद है ना लगभग ये मुझे है ना पंद्रह सौ रुपए का पड़ गया दोस्तों और मतलब पंद्रह सौ रुपये में मतलब कोई बुरा नहीं है काफ़ी अच्छी है जैसे शूज़ है ना आप पहन के निकलोगे तो मतलब लोग है ना आपको ही देखेंगे मतलब उसको नहीं देखेंगे सोल को देखेंगे जो स्प्रिंग टाइप का लगा हुआ है दोस्तों मतलब काफ़ी बेहतरीन जूता है आप एक बार ट्राई कीजिएगा जो परचेज लिंक है मैं आपको है ना में दे दूंगा और बाकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप देख ही रहे हैं काफी बेहतरीन है इसका दूसरा पैन मैं आपको निकाल के दिखाता हूं देखिए ये तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो है ना बॉक्स में हो जाता है बाकी पहनने के बाद है ना ऐसे निकलोगे ना तो लगेगा कि हाँ मतलब कोई है ना मतलब छह सात हजार रुपये का शूज तो है ना आप डाल ले हुए हो क्योंकि तो जो लुक आता है दोस्तों क्या होता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन क्योंकि जो लुक है ना देखने में आता है एक बार देख के बंदा कहे कि हाँ भाई जूता कुछ है तो वो चीज है ना एक अलग ही फील देती है और तो देखिए क्या है कि आगे फॉर्म लगी हुई है बीच में एक क्लॉथ लगा हुआ है और ये बाकी तो है अंदर है ना जो वो होता है क्या कहते हैं सॉक्स है, है पैतावा जो कहते हैं हिंदी में तो वो लगी हुई है और काफी मतलब कुछ नहीं है और तो बस यही है और नीचे है ना एटम का ब्रांडिंग की गई है सोल के ऊपर भी मतलब कोई हल्की कंपनी नहीं है अच्छी कंपनी है काफी जूता अच्छा है पहन के देखोगे जो मतलब एकदम फिट आ जाता है सबसे अच्छी बात जो होती है दोस्तों क्या होती है कि जो शूज है ना एकदम जैसे सात नंबर का शूज है और जो सात नंबर वाला जो पैर होता है उसमें एकदम फिट आ जाए ना उसकी बात ही कुछ और होती है क्योंकि क्या होता है कि जब है ना वो शूज है ना यहाँ टाइट हो या लूज हो तो चलने में कुछ टाइम तो आप है ना उसको झेल लोगे लेकिन कुछ समय के बाद है ना आपको थोड़ा इरिटेट सा होने लगेगा मतलब टाइट है तो जब परेशानी होने लगेगी लूज है तो परेशानी होने लगेगी तो जो है ना एकदम फिट आ जाता है पैर में वो चीज़ आपके लिए एकदम बेस्ट होती है दोस्तों और बाकी तो मैं क्या बताऊंगा वो तो आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी इसकी कॉस्टिंग तो मैंने आपको बता दी है इसमें अगर सोल की बात भी बात करूंगा मैं तो कम से कम ज्यादा नहीं कह रहा मैं ढाई सौ तीन सौ रुपये का तो सोल ही सोल है दोस्तों इससे कम का सोल नहीं मिलेगा ये क्योंकि तो इसमें जो डिजाइन दिया गया है ना उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको उसमें काफ़ी चीजें लगी हुई हैं जो इसको है ना काफ़ी अच्छा मतलब बता देती है जैसे ना मैंने कई बार ट्राई किया था लेकिन यार क्या है कि जो जो सेलर होते हैं वो कहते हैं कि मतलब एक दो साल पुराना डिजाइन है तो दोस्तों पुराने डिजाइन से कुछ नहीं होता अच्छा लगना चाहिए और उनके कहने से क्या होता है जैसे है ना आपने एक कहावत सुनी होगी जब लोमड़ी को है ना अंगूर नहीं मिलते ना जो ज्यादा ऊंचे होते हैं तो वो क्या कहती है कि अंगूर खट्टे हैं तो सेलर भी यही है अगर उनके पास होगा तो वो इसको है ना सबसे बेस्ट चीज बताएंगे जो सेल करते हैं वो शॉप पे और उनके पास नहीं होगा ना तो वो कहेंगे कि छह महीना पुराना आर्टिकल है साल पुराना आर्टिकल है चल के बंद हो चुका है जब है ही नहीं तो उनके पास तो यही चीज होती है चीज है ना अच्छी लगी हमें हमें ऑफलाइन नहीं मिली तो हमने ऑनलाइन मंगाया क्योंकि चीज़ अच्छी लगने के बाद है ना मायने ये रखता है कि हाँ हमें वो चीज़ चाहिए तो आप देख ही रहे हैं काफ़ी अच्छा जूता है और दोस्तों ये हमारी वीडियो थी ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये स्पोर्ट्स की वीडियो थी दोस्तों हम है ना स्पोर्ट्स नहीं बनाते हैं ना ही डील करते हैं ये तो है ना एक परचेज किया था हमने अपने लिए और काफ़ी अच्छा जूता लगा था तो ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जब तक ले जय हिंद जय भारत दोस्तों